हल्द्वानी के एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में एक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी कार्यक्रम में अधिवक्ता प्रोफेसर सहित कई वक्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को हिंसा संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने महिलाओं से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में भी बताया। छात्राओं ने वक्ताओं से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। वक्ताओं ने एफआईआर से आगे की कानूनी लड़ाई की भी जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड सरकार को पॉक्सो पीड़ितों को रखने और उनके भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे पीड़ितों को रखने और उनका जीवन समाज की मुख्य धारा में आ सके, इसकी खासी कमी है जिस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो कमी नजर आई, हम आपने जैसे पॉइंट आउट किया बच्चों को पता नहीं है हेल्पलाइन नंबर्स, इस सब में हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है कि इन सारे नंबरों का बहुत ही एक वाइड पब्लिकेशन प्रसार होना चाहिए ताकि बच्चों की नॉलेज में हो कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कोशिश की है कि हम जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेज के, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जानकारी दें कि क्या मतलब वो जो जिस तरीके की हरकतें करते हैं, कई बार वो क्राइम हो जाता है और नादानी उनको पता भी नहीं होता है। हम लोगों का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि हम बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को जागरूक करें, तो इसके लिए महाविद्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है जो कि कार्य क्षेत्र महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न निवारण समिति के नाम से भी जानी जाती है। जहाँ पर वो काम करती हैं उसके कार्य क्षेत्र में उनको सुरक्षित कैसे माहौल मिले उसको लेके एक कानून बना है और उसी की जागरूकता के लेके यहाँ पर एक आज कार्यक्रम हुआ है।